पाकिस्तान को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया है। उन्होंने अय्यर को राजनीति का जोकर बताते हुए कहा कि कांग्रेस नेता पराजय के डर से ऊटपटांग बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के बयान पर सियासत गर्मा गई है। मणिशंकर अय्यर का कहना है कि भारत को पाकिस्तान को इज्जत देनी चाहिए, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसके पास भी परमाणु बम है, कोई सिरफिरा आया तो वह हम पर इसका इस्तेमाल कर सकता है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर पूर्व सीएम शिवराज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता बौद्धिक दिवालिया हो गए हैं। शिवराज ने कहा कि यह यूपीए की ढीली ढाली सरकार नहीं है, आज भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हैं, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, यह डरपोक लोग इंडी गठबंधन में हैं। बन गए राजनीति के जोकर बन गए, मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा हो, संजय राउत हो, इनको कौन गंभीरता से लेता है। ये सब लोग पराजय के भय से ऐसे ऊटपटांग बयान दे रहे हैं कि जिनको जनता केवल मनोरंजन के रूप में लेती है। मणिशंकर जी, ये यूपीए की ढीली ढाली सरकार नहीं है, आज भारत के प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाले हैं और भारत ने साफ कहा है हम सबके कल्याण में विश्वास रखते हैं, विश्व का कल्याण हो, हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो छोड़ेंगे नहीं, भारत डरने वाला नहीं है। ये जो डरपोक लोग हैं वो सब इंडी गठबंधन में है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।